हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे भरुआ करेला चीनी जैसा मीठा। तो इसलिए हमने 4 से 5 करेले लिए। इसको ऊपर से इस तरह से छील लेंगे अच्छी तरह से। और तो मैं देखिए इस तरह से पूरे करेलों को छील लूँगी। तो गाइस देखिए इस तरह से हमें ये सारे करेले अच्छी तरह से छील लेने हैं। और इसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे। तो गाइस ये मैंने इस तरह से छील लिया है। और ये छीलने के बाद हम इस तरह से इस करेले को बीज से कट करेंगे। ये हमें एक साइड से कट करना है गाइस। तो इस तरह से कट करेंगे और ये बीज है इनको साइड में निकाल लेंगे। ये भी हम इस करेले के अंदर ऐड करेंगे। गाइज ये बीज हम इस तरह से निकाल ली हैं और जो सारे करेले को अच्छी तरह से निकाल लेंगे बीज। अब हम आपको एक और कट करके दिखाएंगे इसी तरह। इसको भी इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लेना है और ऊपर से छील लेना है। तो गाइज हम इसको इस तरह से छीलेंगे और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाइए ताकि हमारा आना वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस तरह से हम एक तरफ से कट कर लेंगे इसको। कट करने के बाद हम इससे इसके अंदर वाले बीज एक साइड में अच्छी तरह से निकाल लेंगे क्योंकि ये बीज होते हैं ये कड़वे नहीं होते हैं, मीठे होते हैं। और आपको ये अगर बीज पसंद हो तो आप सब्जी में ऐड कर सकते हो। तो गाइस देखिए मैंने इस तरह से पूरे को ऐड कर लिया, बीज एक तरफ कर लिया है, इसको छील कर इसका बुरादा एक तरफ कर लिया और करेले को इस तरह से एक तरफ कट कर लिख के रख लिए हैं। तो गाइस देखिए हमारे ये करेले कुछ इस तरह से लग रहे हैं और इसके अंदर हम नमक भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि ये कड़वे न लगे। और ये करेले हैं इनके अंदर भी हम नमक को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको मसल मसल कर लगा देंगे ताकि ये एकदम चीनी जैसे मीठी हो जाए। तो गाइस इस तरह से हम एक एक करके सारे करेले को अच्छी तरह से नमक लगा देंगे। और अब हमने इस तरह का एक टोप ले लिया, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और अब हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर करेले को ऐड करेंगे और पानी में उबाल करेंगे। तो गाइस इस तरह से हम पानी में इसको ऐड कर दिया है और अब हम एक इस तरह की एक कटोरी लिए, इसको पानी में भरकर बीज के अंदर रख दिया है और इस पर हमने एक छलनी रख दी है। इसके अंदर हम करेले को भरुआ करेला बनाना है, इसको रख दिया और बंद कर अच्छी तरह से पकाएंगे। तो गाइस जब हम खोल कर चेक करते हैं कि हमारे करेले अच्छी तरह से बन गए हैं और इसको हम
चम्मच इस चिमटे की सहायता से इसको बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इस कटोरी को भी अच्छी तरह से पकड़ कर बाहर निकाल लेंगे और जो ये करेले हैं इनको एक तरफ कोई प्लेट के अंदर अच्छी तरह से निकाल लेंगे गाइज। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरे करेले को बाहर निकाल लेना और चेक कर लेना कि ये उबले हैं या नहीं। और इस पानी को एक साइड में निकाल लेना है, ये पानी हमें यूज में नहीं लेना है। करेले का खारापन हम निकालने के लिए इस पानी में इसको उबाला है, इससे ये एकदम से मीठे हो जाते हैं और स्वादिष्ट लगते हैं। तो गाइज अब हम इस तरह का एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम सब्जी ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर साबुत जीरा एक चम्मच ऐड करेंगे गाइज। और ये हमारा ब्लैक हो चुका है। अब हमने एक हींग की डब्बी ले ली और ये एक चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। हींग से पेट खराब नहीं होता है और खाना हमारा अच्छी तरह से जल्दी पक जाता है, इसलिए हम ये हींग यूज करते हैं। और अब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची को भी ऐड करेंगे और उन्हें अच्छी तरह से पकाएंगे। तो गाइज इस तरह से हमने अच्छी तरह से ऐड कर दिया और इसे पकाएंगे। तो हमने प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है और अब इन सब को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे और मिक्स कर देंगे। गाइस देखिए हमारे ये कुछ सब प्याज है वो ये इस तरह के रग रहे हैं और इन्हें हम हल्का ब्राउन अच्छी तरह होने तक अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे। और इसके अंदर हमने जो करेले उबाले थे वो भी ऐड कर देंगे। ये हम बरुआ करेले के अंदर डालने के लिए चटनी बना रहे हैं क्योंकि ये चटनी डालने से करेले बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए एक बार बना के चेक ज़रूर करना, फिर हमें कमेंट करना कि आपको ये भरवा करेला किस तरह से पसंद आया। तो गाइस ये हमने मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हम सब्जी मसाला ऐड कर दिया है। ये हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और हल्दी पाउडर पहले ऐड कर दिया था और एक चम्मच साबुत धनिया ऐड कर दिया है और इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड कर दी है गाइस। अब हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इस तरह का एक करेला लिया है गाइस, ये चटनी हम इस करेले के अंदर ऐड करेंगे। एक एक करके हम सारे करेले के अंदर ये चटनी भर देंगे इस तरह से और बिना धागा यूज किए हम ये चटनी सब्जी बनाएंगे भरुआ करेले वाली। तो गाइस इस तरह से ये सारे करेले को एक एक करके पूरे करेले को अच्छी तरह से हमें पका लेना है, चटनी भर देनी है। गाइस इस तरह से हमने दो करेले को तो अच्छी तरह से बंद करके रख दिया दबा दबा कर और सारे हमने ये अच्छी तरह से बना लिए इस तरह से दिखाई दे रहे। अब हमने इस तरह की कढ़ाई ली है, इसके अंदर तेल और साबुत धनिया और जीरा ऐड कर दिया। गर्म होने के बाद हम करेले को इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से तेल के अंदर तलेंगे। जब तक ये करेले अच्छी तरह से तेल के अंदर न तले जाए तब तक हमें इस करेले को अच्छी तरह से पका लेना है।
तो गाइज हमें इस करेले को अच्छी तरह से पकाना, तब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें दिखाई भी देगा कि ये हमारे पक चुकी है। और चिमटे की साइज से या आपके पास कोई और औजार हो तो उसकी सहायता से आप इसे उल्ट फेर कर देना ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। और भरवा करेले बच्चे खाने बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आपके घर में बच्चे हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाना और बच्चों को खिलाना। तो गाइस देखिए इस करेले के कलर चेंज होने लगा है अच्छी तरह से। और अब हम इनको एक तरफ प्लेट के अंदर हम इस सबको बाहर निकालेंगे। जिस तरह से हमने पूरे को तल लिया और ये हमारी सब्जी बन